हेलो एवरीवन माई सेल्स ये काजल डेरोलिया उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे हो हमारा आज का जो सेशन है वो है फॉर सी एम ए फाउंडेशन स्टूडेंट हमारे ये जो सीरीज़ है जहां हमने स्टडी मटेरियल के सारे एम सी क्यूज़ फिल्म द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स एंड मैच द फॉलोइंग का डिस्कशन स्टार्ट किया है उसमें आज हम लोग चैप्टर वन दैट इज स्टडी नोट वन का थर्ड यूनिट देखेंगे जो कि है डबल एंट्री सिस्टम books of primary entry subsidiary book cash book journal ledger and trial balance basically हमने ये जो अपनी सीरीज से स्टार्ट की इसमें चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 हमने पहले ही अपलोड कर लिया था पेपर 2 का एंड चैप्टर 1 में हमने फर्स्ट सेकंड यूनिट अपलोड कर दी थी आज हमारी थर्ड यूनिट की क्लास है अगर आपने कोई क्लास नहीं देखी है या कोई क्लास मिस हो गई है तो उसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे वहां से आप सारे के सारे क्लासेस कवर कर सकते हो तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन जहाँ हम लोग यूनिट थ्री पूरा डिस्कस करेंगे हम लोग स्टार्ट करें हैं पहले एम से उसके बाद फिर हम लोग फिलन द ब्लाइंड थ्रू फॉल्स एंड मैच द फॉलोइंग पे भी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट्स अब हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग बात करें नॉमिनल अकाउंट की तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है पहले रूल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक्सपेंसिज एंड लॉसेज को हमें डेबिट करना होता है दैट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसिस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स यही रूल होता है गोल्डन रूल हम सबको याद है तो इसका मतलब प्रॉफिट गेन भी इंक्लूड होता है लॉस एक्सपेंसेस भी इंक्लूड होता है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा डी बोथ ए एंड बी क्लियर नेक्स्ट एस बी आई अकाउंट इज देखो एसबीआई अकाउंट की अगर हम बात करें तो बेसिकली किसकी बात कर रहा है बैंक की और हम सबको पता है कि अगर मान लो हमारे नाम पे जो बैंक अकाउंट है तो वो बेसिकली इससे थोड़ी है बैंक अकाउंट नहीं ना हमारे नाम से एक अकाउंट खुला होगा जैसे एज बैंक अकाउंट तो ये ए का बैंक अकाउंट है क्लियर तो इसका मतलब क्या है कि ये एक तरह का पर्सनल अकाउंट है दैट इज ये किसको रिप्रेजेंट करता है पर्सनल अकाउंट को और पर्सनल भी किस तरह का बेटा ये कोई नॉर्मल या नेचुरल पर्सन तो है नहीं रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है ये किसकी कैटेगरी में आएगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट दैट इज बी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पे एंड गोल्डन रूल्स पे हमने ऑलरेडी क्लास अपलोड की हुई है अगर वो क्लास आपने नहीं की है तो उसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे वहां से अगर ये टॉपिक आप कवर कर लोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्यों बैंक अकाउंट आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का पार्ट होता है क्लियर नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बट ऑफ इज नोन एज जर्नल क्योंकि सबसे पहला प्रोसेस ही क्या होता है जर्नल हम लोग जो बुक्स में सबसे पहले एंट्री रिकॉर्ड करते हैं वो कहाँ करते हैं जर्नल में क्लियर नेक्स्ट प्रीपेड रेंट इज अब देखो रेंट क्या है अगर हम रेंट की बात करें तो रेंट इज़ एक्सपेंस और एक्सपेंस के पहले एक प्रिफिक्स एडेड है प्रिफिक्स में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं आउटस्टैंडिंग प्री पेड अक्रूड एंड अनअक्रूड हमने बताया था कि ये चार चीजें अगर देखा जाए तो प्रिफिक्स के फॉर्म में हो सकती हैं तो किसी भी एक्सपेंस या किसी भी इनकम के पहले अगर ये प्रिफिक्स एडेड है तो इसका मतलब वो किस तरह का अकाउंट होगा बेटा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट अगेन हमने इस पर जो क्लास अपलोड की हुई है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पे उसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करेंगे और वहां से ये टॉपिक आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हो नेक्स्ट इन एन अकाउंट इफ डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड द बैलेंस इज नोन एज अगर डेबिट ज़्यादा है तो हम क्या बोलेंगे डेबिट बैलेंस और अगर क्रेडिट ज़्यादा होता तो हम कहते हैं क्रेडिट बैलेंस क्लियर आप देखो पॉजिटिव नेगेटिव क्यों नहीं बोल सकते क्योंकि सिंपली अगर हम लोग बात करेंगे असेट की तो असेट का बैलेंस हमेशा क्या होता है बेटा डेबिट तो असेट के लिए डेबिट बैलेंस क्या होगा पॉजिटिव बैलेंस और यही अगर हम लोग बात करते हैं लाइबिलिटीज़ की तो लाइबलिटीज़ का बैलेंस क्या होता है क्रेडिट हमने फर्स्ट यूनिट में बताया था तो अगर लाइबलिटीज़ के लिए क्रेडिट है तो लाइबिलिटीज के लिए क्रेडिट पॉजिटिव बैलेंस है इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कभी भी नहीं होगी अगर डेबिट ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस क्लियर नेक्स्ट अ सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू अगर हमने राम को गुड्स बेचा होता सिर्फ इतना लिखा होता कैश नहीं लिखा होता तो एंट्री हो जाती है राम टू सेल्स बट क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैश पे बेच रहे तो एंट्री क्या हो जाएगी सीधे सीधे कैश टू सेल्स तो हम किसको डेबिट करेंगे कैश को दैट इज बी नेक्स्ट ए विदड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोपराइटर शुड बी क्रेडिटेड टू अगर हम कैश का विदड्रॉल कर रहे हैं कौन कर रहा है ओनर दैट इज़ प्रोपराइटर तो बेसिकली अगर वो कैश का विदड्रॉल कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है ड्राॅइंग्स कर रहा है वो अपने ही बिजनेस से पैसे निकाल रहा है तो इसकी सीधे सीधे एंट्री क्या होती है ड्राॅइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट तो वो क्रेडिट किसको करेगा कैश को दैट इज सी को अगर कैश की जगह वो गुड्स का विदड्रॉल करता तो याद रखना इसकी एंट्री क्या होती है ड्रॉइंग टू परचेजेस तो उस केस में हम क्रेडिट किसको करते हैं परचेजेस को दैट इज डी को क्लियर बट क्योंकि यहां पे कैश विदड्रॉ कर रहा है तो करेक्ट आंसर विल बी सी नेक्स्ट रेंट अकाउंट इज अ रेंट क्या है एक्सपेंस है और एक्सपेंस इनकम लॉसेस एंड गेन ये सब क्या होता है नॉमिनल अकाउंट तो करेक्ट आंसर होगा सी नेक्स्ट लेजर कंटेन वेरियस डैश इन इट ट्रांजेक्शंस एंट्रीज अकाउंट्स और नन लेजर की अगर बात करें तो लेजर में बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं ना जैसे सेल्स अकाउंट क्रेडिटर्स अकाउंट डेटर्स अकाउंट असेट अकाउंट ये सब क्या है ये सारे के सारे अकाउंट्स ही तो हैं जो टी शेप में बनते हैं तो लेजर क्या कंटेन करता है ट्रांजेक्शन्स नो एंट्रीज नो अकाउंट्स करेक्ट आंसर क्या होगा सी अकाउंट्स नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एंट्रीज from डे बुक टू ledgers इज कॉल्ड डे बुक मतलब क्या हो गया बेटा जर्नली हम बात करें जर्नल की अगर हम जर्नल से एंट्रीज पास कर रहे हैं कहाँ लेजर में तो उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं पोस्टिंग और किस तरह की पोस्टिंग है बेसिकली कहाँ पोस्ट करें लेजर में तो हो जाएगी लेजर पोस्टिंग दैट इज डी नेक्स्ट द रेंट पे टू लैंड लॉड इज क्रेडिटेड टू अगर हम रेंट पे कर रहे हैं किसको को लैंड को तो हमारा खर्चा है सिंपली तो क्या होगा एक एक्सपेंस दैट इज रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और क्रेडिट के लिए बोल रहा है तो सिंपली क्या हो जाएगा सी बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट द अकाउंटिंग इक्वेशन असट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी बट ऑफ दिस बैलेंस शीट इसमें तो बाकी चीजें देखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि कैश फ्लो में कैश इनफ्लो आउटफ्लो होगा और इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ रेवेन्यू आइटम की बात करता है असेट लाइबिलिटीज एंड इक्विटी की बात कहाँ करता है बैलेंस शीट में नेक्स्ट द डेट्स रिटर्न ऑफ इज बैड इफ रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली आर कह रहा है कि पहले तो बैड डेट हुआ पर बाद में रिकवर हो गया तो इसकी एंट्री एक बार देख लो लेट्स से एक्स ने गुड्स सेल किया है क्रेडिट पे किसको वाई को तो सबसे पहली एंट्री एक्स क्या करेगा अपनी बुक्स में हम इसकी पूरी एंट्री समझा रहे हैं सो so दैट तुम लोग को डेटर्स का पूरा कैलकुलेशन समझ में आए एक्स ने गुड सेल किया है किसको वाई को टेन थाउजेंड का एंड वो भी ऑन क्रेडिट तो सबसे पहली एंट्री एक्स अपनी बुक्स में क्या करेगा वाई टू सेल्स देखो अगर पैसा आ जाता तो वो लिखता कैश टू सेल्स पैसा नहीं आया तो वो लिखेगा डेटर टू सेल्स कितने से दस हज़ार से अब लेट्स से वाई ने इसमें से एक हज़ार नहीं दिया और बाकी पैसा दे दिया तो एंट्री क्या करेगा एक्स अपनी बुक में कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट अकाउंट डेबिट टू वाई वाई को तो वो पूरा नलीफाई कर रहा है हजार से, पर बैड डेट कितना हुआ हजार का, और पैसा कितना मिला नौ हजार क्लियर अब अगले साल अगर मान लो वाई इस एक हजार में से हमें कुछ पैसा देना चाहे तो एंट्री क्या होगी एक्स की बुक में उसके पास तो पैसा आ रहा है तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट कितने से हजार से अब आप लोग बोलोगे कि मैम आपने यहाँ पे तो डेबिट किया था बैड डेट यहाँ आप क्रेडिट करेंगे बैड डेट रिकवर्ड इसका रीज़न है बेटा ये एक्सपेंस है ये इनकम है और अकाउंट्स में हम लोग कभी भी कोई चीज़ नेट ऑफ नहीं करते जैसा अगर कर तुम लोग देखोगे डिस्काउंट रिसीव डिस्काउंट अलाउड क्या हम लोग इसको नेट ऑफ़ करके बैलेंसिंग फिगर लिखते हैं नहीं क्योंकि हम लोग अकाउंट्स में ये मानते हैं कि अगर एक खर्चा है और एक इनकम है तो उसको हम कभी भी मर्ज या नेट ऑफ नहीं कर सकते क्लियर तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा

अब देखो अगर आपने उधार पे खरीदा है तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर इसका मतलब आपको एक एक्सपेंस बढ़ाना था डेबिट और एक लाइबिलिटी बढ़ानी थी क्रेडिट आपने क्या किया कि परचेजेस टू कैश कर दिया तो परचेजेस टू कैश आपने डेबिट बढ़ाया और कैश दैट इज एक असेट को डिक्रीज कर दिया तो इसका मतलब जैसे ही आप कैश को डिक्रीज करोगे तो नलीफाई गई ना चीज़ें परचेजेस बढ़ा और कैश घट गया तो इसका मतलब क्रेडिट में यहाँ क्रेडिटर की जगह कैश हो गया तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इससे क्या ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा हाँ मैच हो जाएगा ए से भी मैच हो जाएगा नेक्स्ट रुपीज फाइव हंड्रेड कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स इज डेबिटेड टू क्रेडिटर्स फोर फिफ्टी एंड क्रेडिटेड टू कैश एज फाइव हंड्रेड मतलब आप देखो ये कह रहा है कि हमने क्रेडिटर को कैश पेमेंट किया तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी क्रेडिटर टू कैश क्रेडिटर को 50 से हम डेबिट कर रहे हैं और कैश को 500 से क्या इससे ट्रायल बैलेंस मैच करेगा नहीं ट्रायल बैलेंस डेबिट में कितने से कम दिखेगा 450 से क्योंकि देखो इतने का ही डिफरेंस है तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका सी एंड लास्ट अ ट्रायल बैलेंस शोज बट ऑफ इज ओनली अर्थमेटिकल अक्योरेसी ऑफ अकाउंट्स क्योंकि हम ट्रायल बैलेंस जो बनाते हैं उससे सिर्फ अर्थमेटिकल अक्योरेसी पता चलती है अकाउंट्स की और कुछ भी नहीं क्लियर है नेक्स्ट अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं सबसे पहला है कैश अकाउंट इज डैश अकाउंट अब कैश मतलब क्या असेट और अगर असेट है तो क्या हो जाएगा रियल अकाउंट नेक्स्ट लाइबिलिटी अकाउंट हैज़ अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था क्रेडिट बैलेंस इंटरेस्ट अकाउंट हैज़ डैश बैलेंस अब देखो इंटरेस्ट हम पे भी करते हैं और इंटरेस्ट रिसीव भी करते हैं हम सबको पता है कि इंटरेस्ट पेड भी होता है और रिसीव भी होता है तो उस केस में अगर पेड है तो डेबिट होगा बैलेंस और अगर रिसीव्ड है इनकम तो क्रेडिट बैलेंस होगा ये भी अभी ऊपर डिस्कस किया तो डेबिट और क्रेडिट क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट अकाउंट लिखा है क्लियर नेक्स्ट ओपनिंग एंट्रीज आर जर्नली पास्ड थ्रू अगर ओपनिंग एंट्रीज है क्लोजिंग एंट्रीज है रेक्टिफाइंग एंट्रीज है तो ये सारी की सारी ट्रांसफरिंग एंट्रीज है ये किसके थ्रू पास होती है जर्नल प्रॉपर के थ्रू मतलब हम इसको कहा पास करते हैं जर्नल प्रॉपर में क्लियर क्यों? क्योंकि ना तो इसमें कुछ कैश है ना ही इसमें कुछ गुड्स से रिलेटेड है तो उस केस में हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे जनरल प्रॉपर में क्लियर नेक्स्ट गुडविल अकाउंट इज पहले भी डिस्कस किया है इनटेंजिबल एसेट नेक्स्ट द डेबिट बैलेंस इन अ नॉमिनल अकाउंट शोज अगर नॉमिनल अकाउंट में ये नॉमिनल अकाउंट अगर मान लो है तो इसमें सारे के सारे रूल ही क्या है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस तो इसका मतलब अगर डेबिट बैलेंस है तो वो क्या शो करा होगा एक्सपेंडिचर को नेक्स्ट द अलायस मेड फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट इज कॉल्ड देखो जो अलायंस या जो डिस्काउंट प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए तुरंत के पेमेंट के लिए दिया जाता है उसको हम कहते हैं कैश डिस्काउंट और जो डिस्काउंट सबको मिलता है ओवरऑल सारे कस्टमर्स को उसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट जिसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते नेक्स्ट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड देखो ये अकाउंट है अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है टी शेप ये डेबिट है ये क्रेडिट है ये लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड है यही ना खुद देख लो ये राइट हैंड साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड है तो इसमें कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है डेबिट साइड को क्लियर नेक्स्ट इफ द डेबिट साइड ऑफ गुड्स अकाउंट एक्सीड्स एक्सड्स क्रेडिट साइड द डिफरेंस विल बी डेबिट साइड ऑफ गुड्स किससे एक्सीड कर रहा है क्रेडिट साइड से गुड्स मतलब क्या हो गया स्टॉक की बात कर रहा है ये तो कह रहा है कि अगर ये साइड बड़ा है किससे क्रेडिट साइड से तो यहां क्या होगा ओपनिंग स्टॉक और यहां क्या होगा क्लोजिंग स्टॉक बट ऑबियस जो डिफरेंस होगा वो कहाँ डालेंगे क्रेडिट में किस साइड डालेंगे डिफरेंस क्लोजिंग स्टॉक में तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट द बैलेंस ऑफ डैश अकाउंट विल बी शोन इन द डेबिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस द बैलेंस ऑफ डैश अकाउंट जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना बेटा या कुछ भी तो हमेशा याद रखना कि हमने पहले भी इसलिए ये चीज़ क्लियर कर दी कि अगर हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं जिसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है तो यह सिर्फ पाँच ही चीज़ होती है एक होता है एसेट एक होता है लाइबिलिटी एक होता है कैपिटल एक होता है एक्सपेंसेस एक होता है इनकम ये डेबिट है ये क्रेडिट है असेट का बैलेंस हमेशा क्या होगा डेबिट लाइबिलिटी और कैपिटल का क्रेडिट एक्सपेंस का डेबिट इनकम का क्रेडिट तो क्वेश्चन में पूछा है कि द बैलेंस ऑफ डैश अकाउंट विल भी शोन इन द डेबिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस डेबिट कॉलम में क्या क्या असेट आएगा आएग और एक्सपेंस आएगा तो आंसर हो जाएगा असेट एंड एक्सपेंसिस क्लियर नेक्स्ट द क्वालिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ द डैश डज नॉट मीन दट द इंडिविजुअल अकाउंट्स आर ऑल्सो एक्ूरेट बट ऑविस अगर ट्रायल बैलेंस का ये साइड और ये साइड मैच भी कर जाए ना तो भी हम ये नहीं कह सकते कि हमने जितने भी लेजर्स बनाए हैं जर्नल बनाए हैं सबके सब एक्यूरेट सब हैं तो बट ऑविस यहाँ किसकी बात कर रहा है ट्रायल बैलेंस की नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस इज अटेटमेंट विश शोज और द टोटल ऑफ ऑल द अकाउंट्स तो ट्रायल बैलेंस जब बनता है तो चाहे तो यहाँ सबका बैलेंस दिखा दो या चाहे सबका टोटल दिखा दो क्योंकि ट्रायल बैलेंस को बनाने के तीन मेथड हैं एक बैलेंस मेथड होता है एक टोटल मेथड होता है और एक क्या होता है ए प्लस बी को मिला करके दैट इज टोटल एंड बैलेंस मेथड तो बट ऑविय अगर हम लोग ट्रायल बैलेंस की बात करें तो ट्रायल बैलेंस में चाहे तो हम लोग बैलेंस दिखा सकते हैं हर लेजर का चाहे तो टोटल दिखा सकते हैं क्लियर नेक्स्ट डैश लिस्ट द बैलेंस एंड टाइटल ऑफ अकाउंट इन द लेजर डैश लिस्ट द बैलेंस अगेन अगर हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो हम लोग ट्रायल बैलेंस किस पे बनाते हैं बैलेंस पे ना ये तुम लोग को ना भी समझ में आ रहा हो तो देखो हम यहाँ पे बता देते हैं कि अगर मान लो हमने बिल्डिंग का लेजर बनाया है क्लियर तो बिल्डिंग का जो भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होता है उसको हम कहाँ दिखाते हैं बाय बैलेंस सीडी और उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं ट्रायल बैलेंस में क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में एंड जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सब में हम लोग ट्रायल बैलेंस किससे बनाते हैं एज पर बैलेंस मेथड तो कह रहा है कि क्या शो करता है बैलेंस एंड टाइटल ऑफ अकाउंट इन द लेजर देखो लेजर का टाइटल क्या है बिल्डिंग अकाउंट तो यहां हम ये लिखेंगे बिल्डिंग और ये बैलेंस हम यहां शो करेंगे तो ऐसा कहां होता है ट्रायल बैलेंस में तो करेक्ट आंसर क्या होगा ट्रायल बैलेंस नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक अपियरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन ऑन द डैश साइड ऑफ द बैलेंस शीट क्लोजिंग स्टॉक कहां है विद इन ट्रायल बैलेंस इसका मतलब एक ट्रीटमेंट होगा इसका मतलब वो कहां दिखेगा बैलेंस शीट में असेट साइड अगर मान लो एडजस्टमेंट में होता तो उस केस में दो जगह वो शो किया जाता एक होता ट्रेडिंग में क्रेडिट और एक होता बैलेंस शीट में असेट क्लियर नेक्स्ट द बैलेंस ऑफ लाइबिलिटीज अकाउंट विल बी शोन इन द डैश ऑफ द ट्रायल बैलेंस लाइबिलिटीज को हमेशा कहाँ दिखाएंगे बेटा क्रेडिट में अभी देखो हमने बनाया भी था ट्रायल बैलेंस जहाँ पे हमने लाइबिलिटीज को पहले ही दिखा दिया कहाँ क्रेडिट में सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं इसलिए हमने बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं की है पर फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट होगा तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना क्लियर चलो अब हम लोग देखेंगे ट्रू और फॉल्स सबसे पहला क्वेश्चन है राम हैज़ असेट ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड एंड लाइबिलिटीज ऑफ फोर थाउजेंड हिज कैपिटल देयर फॉर वुल बी वुड बी सिक्सटीन थाउजेंड बट ऑविज असेट इज इक्वल टू क्या होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी तो ये बीस हज़ार है इन दोनों को ऐड करके बीस हज़ार आ रहा है तो आंसर क्या होगा ट्रू डेप्रिसिएशन इज लॉस बट ऑफ इज डिप्रिसन क्या है लॉस ही तो है भले ये नॉन कैश आइटम है बट स्टिल अगर तुम लोग देखोगे तो तुम लोग के असेट की वैल्यू को डिक्रीज करता है तो इट इज़ अ काइंड ऑफ लॉस डबल अकाउंटिंग सिस्टम ओज इट्स ओरिजिन टू लुक अप प्योरली ट्रू प्रॉफिट और लॉस हैव नो इफेक्ट ऑन नेटवर्थ अब देखो कह रहा है कि नेटवर्थ पे मतलब टोटल कैपिटल पे क्या प्रॉफिट और लॉस का कोई इफेक्ट नहीं होता फॉल्स क्योंकि उसका इफेक्ट होता है अगर प्रॉफिट है तो हम ऐड करते हैं लॉस है तो हम लेस करते हैं नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट इज अ रियल अकाउंट नो इट इज अ पर्सनल अकाउंट रीजन बींग किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है तो आंसर क्या होगा फॉल्स ट्रायल बैलेंस इज अ फाइनल अकाउंट नो इट इज नॉट अ फाइनल अकाउंट आंसर क्या होगा फॉल्स फाइनल अकाउंट क्या होता है बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट पी एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस कंटेन्स अ बैलेंस ऑफ ओनली पर्सनल एंड रियल अकाउंट अगेन फॉल्स क्योंकि अगर हम ट्रायल बैलेंस की बात करें तो ट्रायल बैलेंस जब बनता है ना तो उसमें पर्सनल अकाउंट भी आता है रियल अकाउंट भी आता है एज वेल एज नॉमिनल अकाउंट भी आता है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं सैलरी भी दिखाते हैं रेंट भी दिखाते हैं बट जब लेजर की बात करो तो लेजर में पर्सनल अकाउंट के बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं रियल अकाउंट के बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं बट नॉमिनल अकाउंट को क्या करते हैं उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं आइदर ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट में क्लियर तो उसका आंसर क्या होगा फॉल्स नेक्स्ट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ लेजर्स द नेक्स्ट स्टेप इज़ द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस ट्रू और ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट नेक्स्ट जर्नल इज द बुक ऑफ फाइनल एंट्री नो इट इज़ नॉट अ बुक ऑफ जर्न फाइनल एंट्री बल्कि ये क्या है ये है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री तो आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स क्योंकि जर्नल में सबसे पहले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है ना कि सबसे लास्ट में सबसे लास्ट में कहा होता है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड लास्ट ट्रेड डिस्काउंट विल बी एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखो इस पर हमने पहले डिस्कशन कर लिया कि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी हम बुक्स में नहीं दिखाते बल्कि कैश डिस्काउंट दिखाते हैं क्लियर है नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग अब मैच द फॉलोइंग में देखो सैलरी अकाउंट सैलरी क्या है खर्चा है खर्चा है तो क्या होगा नॉमिनल अकाउंट ड्रॉइंग्स ड्रॉइंग्स की अगर बात करें तो बेसिकली इसे कैपिटल कम होगा और कैपिटल क्या है पर्सनल अकाउंट फर्नीचर असड है तो रियल अकाउंट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस तो बेसिकली अक्रूड इनकम की बात कर रहा है और इनकम के पहले प्रिफिक्स ऐड हो गया तो ये हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मॉडर्न अकेडमी मॉडर्न अकेडमी मतलब अगर मान लो कि ये स्कूल है या कॉलेज है तो है तो ये क्या पर्सनल अकाउंट बट क्या ये ओरिजिनल है दैट इज नेचुरल पर्सन है नहीं ये किस तरह का पर्सन है आर्टिफिशियल चाहे कंपनी हो चाहे फॉर्म हो स्कूल कॉलेज हो इन सबको हम कहा लेते हैं आर्टिफिशियल में क्लियर नेक्स्ट अगेन देखो सैलरी अकाउंट है तो अगर सैलरी अकाउंट है तो वो कहाँ जाएगा नॉमिनल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट बट ऑफिस पर्सनल अकाउंट गुडविल अकाउंट क्या होगा क्योंकि ये असेट है और ये असेट है तो ये हो जाएगा रियल अकाउंट हरीश अकाउंट हरीश मतलब किसी पर्सन को डिनोट कर रहा है चाहे डेटर कैटर तो ये भी क्या हो जाएगा पर्सनल अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगेन देखो किसकी बात किया है बैंक की बात किया है और अभी हमने ऊपर बताया कि फॉर्म स्कूल कॉलेज बैंक ये सब किसको डिनोट करते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट को क्योंकि ये किसी ना किसी पर्सन के नाम पे होते हैं बट क्योंकि ये ओरिजिनल नहीं होते हैं नेचुरल नहीं होते हैं ये किस तरह के पर्सन होते हैं आर्टिफिशियल जो बनाए गए हैं इन द आइज ऑफ लॉ तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बी यहाँ तक होपफुली आप लोग को टॉपिक क्लियर होगा अब इसके आगे का टॉपिक जो कि रिलेटेड है सब्सिडरी बुक्स एंड ट्रायल बैलेंस से वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अगर आज के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट ज़रूर करना आज के लिए बस इतना थैंक यू सो मच